डीपी की न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। प्रदेश की राजधानी जयपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की बहन अध्यापिका विद्या देवी, जिनकी उम्र 55 थी, उनकी दिन दहाड़े हत्या से गुलाबी नगरी सन है। हालांकि पुलिस ने वारदात के महज 8 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन इस घटना ने यह दर्शा दिया कि वर्तमान में लोग किस तरह से धैर्य खो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर जान लेने पर उतर रहे हैं। ऐसे हालात में संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि विद्या देवी की हत्या का जो कारण सामने आया है वह दिल दहला देने वाला है। देखिए, आरोपी कृष्ण कुमार ने विद्या देवी की हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि उसने उसके घर के आसपास कुत्ता घुमाने के लिए टोका था। यही बात आरोपी कृष्ण को खटक गई और उसने मौका देखते ही अपनी खुन्नस निकालने के लिए विद्या देवी को मौत के घाट उतार दिया। गांव, गली मोहल्ला, कस्बे और शहर में इस तरीके की बात पर टोकना कोई बड़ी बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसकी परिणति मर्डर के रूप में भी सामने आई ऐसा बहुत कम होता है। मनोवैज्ञानिक की माने तो बदलते परिवेश में लोगों में सहनशीलता तेजी से घटती जा रही है। हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि बच्चों को परिवार के अन्य लोगों को छोड़ खुद के माता पिता की टोका टोकी भी पसंद नहीं आती, पड़ोस तो बहुत दूर की बात हो गई है। हालांकि गलत बात पर टोकना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से लोग में सहनशीलता घट रही है उसमें यह टोकने वाले व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो रही है। विद्या देवी की हत्या इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, लिहाजा अपने आस पड़ोस में रहने वाले असामान्य घटनाओं और शिकवा शिकायत को बेहद संजीदा तरीके से सुलझाएं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के परिजनों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह मामलों को सुलझाएं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की घटनाओं से हम डर जाएं और गलत और सही में फर्क करना छोड़ दें, लेकिन बदलते हालात में समझाइश और शिकायत का तरीका भी बदलना होगा, क्योंकि वर्तमान में हर चीज बदल रही है, उसके साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों से तनाव में ना आए बल्कि समस्या के समाधान के लिए नए तरीके खोजें, अन्यथा इस दुनिया में सरफिरों की कमी नहीं है। आपकी दूसरे के प्रति भलाई कब आपके गले पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।